नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी YouTube चैनल श्याम क्लास स्टडी में। आज के इस वीडियो में लेकर के यूपीएस एग्जाम में आने वाले हिंदी के 37 महत्वपूर्ण प्रश्न और आज का हमारा चैप्टर तद्भाव और तत्सम। इससे बनने वाले 37 प्रश्न में आपको कराने वाला जो आने वाली यूपी पुलिस की परीक्षा में आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होगा। मैं आपको बता दूं, मैं अपने चैनल पर लगातार आपको चैप्टर बाय प्रैक्टिस सेट करवा रहा हूँ। जैसे ही चैप्टर बाय प्रैक्टिस सीरीज खत्म होती है उसके बाद मैं आपको सभी चैप्टरों के मिक्स क्वेश्चन के प्रैक्टिस सेट करवाने वाला हूँ, जिससे आप सभी लोगों का अच्छा स्कोर हो जाएगा आने वाले जब भी पुलिस की भर्ती आ जाएगी। तो आज के प्रैक्टिस सेट करने के बाद आपको अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करना, साथ में अपने जिले का नाम भी बताना है कि आप हमारी वीडियो यूपी के किस जिले से देख रहे हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना 37 प्रश्नों का महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट। और प्रैक्टिस सेट को पूरा करने में इसे आपको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, जिससे सभी विद्यार्थियों की प्रैक्टिस सेट पहुँचे और वो भी प्रैक्टिस सेट को लगाएं और उन्हें भी अपना स्कोर पता चल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपके सामने। इससे पहले मैं तद्भव तत्सम की 3 वीडियो अपलोड कर चुका, अगर आपने वो नहीं देखी तो जा कर के आप वो भी देख लीजिएगा। तो 3 वीडियो के बाद के 111 क्वेश्चन हो चुके थे, उसके बाद आपको 112 क्वेश्चन से स्टार्ट होंगे और 148 क्वेश्चन तक आपको लिए कराने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, निम्न में से हरिद्रा का तद्भव रूप है। तो हरिद्रा का तद्भव रूप क्या है? तो इसका तद्भव रूप है हल्दी, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के, बेंत का तत्सम रूप क्या है? तो बेंत का तत्सम रूप क्या होगा? तो तत्सम रूप हो जाएगा बेत्र, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, इनमें से घोटक शब्द क्या है? तो घोटक शब्द क्या है? तो घोटक एक तत्सम शब्द है, ऑप्शन नंबर ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका तद्भव हो जाएगा घोड़ा। कुच्छी शब्द का तद्भव रूप क्या है? तो कुच्छी शब्द का तद्भव रूप हो जाएगा कोक, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, इनमें से कौन सा शब्द तत्सम है? तो आपको बताना है कि कौन सा शब्द तत्सम है। तो ये जो अग्र शब्द है वो तत्सम है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नारियल का तत्सम शब्द कौन सा होगा? तो नारियल का तत्सम शब्द हो जाएगा नारिकेल, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने, किवाड़ शब्द इनमें से क्या है? तो किवाड़ शब्द इनमें से क्या है? तो किवाड़ शब्द है वो तद्भव शब्द है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, बासग्रह शब्द का तद्भव रूप कौन सा है? तो बासग्रह जो शब्द, इसका तद्भव रूप क्या हो जाएगा? इसका तद्भव रूप हो जाएगा बसेरा, ऑप्शन नंबर ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है? तो इनका आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सा जो शब्द है वो तद्भव है। तो इसमें जो दाढ़ी शब्द है वो तद्भव है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द है? तो आपको बताना है कि 121 में कौन सा शब्द है वो तत्सम है। तो जो यौवन शब्द है वो तत्सम है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द चुनिए। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा जो शब्द है वो तत्सम है। तो ये बांझ शब्द है वो तत्सम है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है? तो इसमें तद्भव शब्द कौन सा? तो इसमें तद्भव शब्द हो जाएगा गयांद, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, गोधूम का तद्भव रूप, तद्भव शब्द, तो गोधूम का तद्भव शब्द हो जाएगा गेहूं, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, घोड़ा का उपयुक्त तत्सम शब्द है? तो घोड़ा का उपयुक्त तत्सम शब्द हो जाएगा घोटक, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने, चौथा का तत्सम शब्द है? तो चौथा का तत्सम शब्द हो जाएगा आपका चतुर्थ, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से हस्ती किस शब्द का तत्सम रूप है? तो हस्ती किसका तत्सम रूप है? तो इसका तत्सम है हाथी का, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने,
करपट का तद्भव रूप है, तो करपट का तद्भव रूप क्या हो जाएगा, तो करपट का तद्भव रूप हो जाएगा कपड़ा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द तत्सम है, तो आपको बताना है कि कौन सा जो शब्द है वो तत्सम है, तो इसमें जो उत्साह शब्द है वो तत्सम है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से श्वास तत्सम शब्द का तद्भव रूप है, तो श्वास का क्या हो जाएगा, तो श्वास का हो जाएगा सास, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका सामने, परश्वास शब्द का तद्भव रूप है, तो परश्वास शब्द का तद्भव रूप हो जाएगा परसों, ऑप्शन नंबर ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, गुफा शब्द का तत्सम रूप है, तो गुफा का तत्सम रूप हो जाएगा गुहा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, भित्ति मधु और पाषाण तत्सम शब्दों के क्रमशः रूप हैं, तो इनके क्रमशः रूप क्या हो जाएंगे, तो इनके क्रमशः रूप आपको बताना है, यानी कौन से विकल्प हैं इनके तद्भव रूप हैं, तो भीत का हो जाएगा भीत, मधु का हो जाएगा महुआ, और पाषाण का हो जाएगा पहुन, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से तद्भव रूप का चयन कीजिए, तो आपको इसमें तद्भव रूप बताना है, तो इसमें जो धुआं शब्द है वो तद्भव, बाकी के जो सारे शब्द हैं वो तत्सम है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से तद्भव तत्सम के अशुद्ध युग्म का चयन कीजिए, यानी एक जो शब्द है वो अशुद्ध बाकी के शब्द शुद्ध, तो पाषाण का क्या होता, तो उसका बताया था मैंने अभी पाषाण का आपको पहान, तो ये ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसमें जो शब्द दिए गए हैं वो गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द तद्भव नहीं है, तो कौन सा एक शब्द वो तद्भव नहीं है, यानी वो शब्द वो तत्सम है, तो दबना जो शब्द है वो तद्भव नहीं है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, नहीं सॉरी दबना नहीं, ये दबना शब्द नहीं होगा, तीर्थ शब्द हो जाएगा, तद्भव नहीं है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से बाद तत्सम शब्द का तद्भव रूप होगा, तो बाद का तत्सम शब्द जो बाद इसका तद्भव रूप क्या हो जाएगा, तो इसका तद्भव रूप हो जाएगा बयार, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से हल्दी शब्द का तत्सम रूप कौन सा है, तो हल्दी का तत्सम रूप क्या है, तो इसका तत्सम रूप हो जाएगा हरिद्रा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, इनमें से अटारी का तत्सम रूप है, तो अटारी का तत्सम रूप क्या हो जाएगा, तो इसका तत्सम रूप हो जाएगा अट्टालिका, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कठाय शब्द का तद्भव रूप है, तो कठाय का तत्सम रूप क्या हो जाएगा, तो इसका तत्सम रूप हो जाएगा कढ़ाय, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है, तो आपको तद्भव शब्द बताना है कि इनमें से कौन सा शब्द है वो तद्भव है, तो इसमें जो मयंक शब्द है वो तद्भव है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, इनमें से तत्सम तद्भव का युग्म शुद्ध युग्म है, तो कौन सा जो तत्सम तद्भव शुद्ध है, तो कंकति और कंगी ये शुद्ध हैं, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, इनमें से तत्सम और तद्भव का एक युग्म गलत है, यानी एक युग्म है वो कौन सा गलत है, तत्सम और तद्भव का ये आपको बताना है, तो देख लीजिएगा चारों विकल्प और आपका इसका राइट आंसर आपको बताना है, तो प्रिय और प्रिया ये युग्म गलत है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बच्चा शब्द का तत्सम रूप क्या हो जाएगा, तो बच्चा शब्द का तत्सम रूप हो जाएगा बत्स, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने,
निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है, तो आपको बताना कि इनमें से कौन सा शब्द है वो तद्भव है। चार विकल्प आपके सामने होंगे, तो इसमें जो 14 शब्द है वो तद्भव है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है भभूत का तत्सम शब्द है, तो भभूत का तत्सम शब्द क्या होगा, तो इसका तत्सम शब्द हो जाएगा विभूति, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अधोलिखित में से तद्भव शब्द है, तो तत्सम शब्द आप तद्भव शब्द आपको बताना है, तो जो पिटारा शब्द है वो तद्भव है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अधोलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है, तो कौन सा शब्द है वो तत्सम नहीं है, जो हाथ शब्द है वो तत्सम नहीं है, ये तद्भव शब्द है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अब आप बताइए कि आपने इस प्रैक्टिस सेट में कितने प्रश्न सही किए और आपने अभी तक हमारी वीडियो को शेयर किया है कि नहीं किया। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा, चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अपन नेट प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद प्यारे साथी।